तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सम्मान की बात करती है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में एक गरियाबंद जिला ऐसा जिला है जहां के बाजार में महिलाओं के शौच जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तब हम जाथन जगह नहीं है, यहाँ जेंट्स मन आते जाते, कभी कभी कोई गाली भी देते, फिर भी जाथन। अब का करो, मजबूरी है सर, अब सुविधा था ही नहीं है तो जाना पड़ेगी। हम लोग को 8 बजे जाते हैं, अगर रात को कहीं जाते हैं बाथरूम तो कोई जेंट्स ऐसे रहते हैं कि बाथरूम आया है करके देखते हैं, तो अगर जा रहा है वो फिर से वापसी आ जाता है, तो हम लोग को भी वापसी आना पड़ता है। तो आजू बाजू वाले जो घर वाले हैं ना, ऊपर से झाँकते हैं, कोई खिड़की से झाँकते हैं, तो कोई छत ऊपर से झाँकते हैं, फिर इसे बाथरूम में बैठ के आते हैं हम लोग। क्या बोल थे नगर पंचायत? हाँ बनाबो बनाबो, बस कहते आज तक से कुछ बना नहीं। ममता का जमाना का पैसा आ चुका है 6 लाख, वो आज तक अभी पूरा टेंडर हुआ ही नहीं है, पैसा कहाँ जाता है कोई पता ही नहीं। ग्राम गरियाबंद के गोल बाजार में वर्षों से सुलभ शौचालय नहीं था, जिस पर मैंने वर्ष 2015 में एक वीडियो बनाया था। आइए जानते हैं मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के बाद क्या कोई बदलाव आया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारा बात यहाँ पे रखा गया, सुलभ शौचालय की मांग की थे हम लोग, उस सुलभ शौचालय बन गया है, और मैं मांग करती हूँ तो जल्द से जल्द इसको शुरुआत भी किया जाए। अब शौचालय बने से अब खुशी क्यों नहीं रहेगा भाई, कि अब पहले बाहर में बैठते थे, अब अंदर जाएंगे, पहले दिक्कत था, अब दिक्कत नहीं होगा, बहुत से सुरक्षा हो, बाहर जाते रहे इंसान लोग, चलते रहे देखते रहे, अब वहाँ हर चीज़ का सुविधा हो गया, जाओ और आओ। सुलभ शौचालय को निर्माण करने में सर्वप्रथम दिक्कत थी इंक्रोचमेंट था, उस जमीन पे इंक्रोचमेंट था, इंक्रोचमेंट को हटाए, उसमें जिनको हटाया वो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आवरण अनशन में बैठे कि हमारी दुकान को हटा दिए, लेकिन चूंकि अब वो जगह पे अतिक्रमण किए थे तो उनको हटाना पड़ा, यही एक समस्या ही, बाकी तो कोई समस्या नहीं आई। वीडियो वॉलेंटियर्स रीना मैडम आई थी और उन्होंने दिखाया उसको वीडियो को, बड़ा अच्छा लगा हमको, जन आग्रह को देखते हुए वहाँ पर जमीन में अतिक्रमण था, अतिक्रमण को हटा करके और सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है, जो कि एक दो दिन में चालू हो जाएगा, लोकार्पण की स्थिति में आ गया है, तो लोगों को सुविधा वहाँ पर मिल जाएगी। वॉलेंटियर के माध्यम से जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस समस्या के समाधान करवाने के लिए मदद किया, उनका मैं धन्यवाद करती हूं। साथ ही आप सभी से मैं गुजारिश करती हूं कि गरियाबंद नगर पालिका के अधिकारी सीमो सम्माननीय श्री चौहान जी को उनके मोबाइल नंबर जो है 777-18-19-272 इस नंबर पर फ़ोन कर धन्यवाद प्रेषित करें, जिन्होंने सुलभ शौचालय की समस्या को समाधान करने में तत्परता दिखाया। मैं रीना रामटेके, ग्राम गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।